नमस्कार। संसद का बजट सत्र समाप्त हो गया। बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक चलना था और तमाम आशंकाओं के बीच सत्र 6 अप्रैल को ही जाकर के समाप्त हुआ। सोचे इससे पहले कितने सत्र ऐसे गुजरे जब सब कुछ स्मूथ चल रहा था, कार्यवाही भी चल रही थी, विधायी कामकाज भी हो रहे थे, बहस भी हो रही थी और अचानक सत्र समय से पहले समाप्त कर दिया जाता था। और इस बार एक दिन कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चली। कम से कम बजट के दूसरे चरण में, बजट सत्र के दूसरे चरण में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन कार्यवाही सुचारू रूप से चली हो। और इस वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था, ये कयास लगाया जा रहा था कि सत्र इस बार भी समय से पहले समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक दिन कार्यवाही नहीं चली, इसके बावजूद सत्र आखिरी दिन तक चला। तो ये एक तरह की दिलचस्प विडंबना है कि जब कार्यवाही चल रही थी तो सदन समय से पहले स्थगित हुआ, जब कार्यवाही नहीं चल रही थी तो सदन आखिरी दिन तक चलाया गया। ये एक इस सत्र की खास बात थी। लेकिन 13 मार्च से शुरू होकर के 6 अप्रैल तक सदन में जो कुछ भी हुआ वो भारतीय लोकतंत्र के लिए, संसदीय प्रणाली के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। सत्र शुरू होने के बाद लगातार 2 हफ्ते तक सत्ता पक्ष ने दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चलने दी। ये पहली बार हुआ, आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सत्तारूढ़ दल संसद को न चलने दे। और मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि राहुल गांधी ने देश के बाहर लंदन जाकर के भारत का अपमान किया है। उन्होंने भारत के खिलाफ बातें की हैं लंदन में जाकर के। राहुल गांधी ने लंदन में 3 या 4 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, 4 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और उन्होंने हर जगह ये मुद्दा उठाया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। और इसकी उन्होंने कई मिसालें दी, उन्होंने संस्थाओं की मिसाल दी, उन्होंने संसद में नहीं बोले जाने देने की बात कही या विपक्ष की आवाज़ दबाने की बात कही। इस तरह से बहुत जनरल बात थी, कोई उन्होंने स्पेसिफिक ऐसी बात नहीं की जिससे देश का अपमान हुआ हो। लेकिन जैसे ही वो दूसरा संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को मुद्दा बनाया कि राहुल गांधी देश से माफ़ी मांगे, उन्होंने लंदन में जाकर के देश का अपमान किया है। और इस आधार पर भाजपा ने लगभग दो हफ्ते में जो 9 या 10 दिन बैठक होनी थी उसमें संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चलने दी। और उसके बाद 22 मार्च को राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहरा दिए गए और 23 मार्च को उनकी सदस्यता चली गई। और अब देखिए कि उसके बाद देश के अपमान का मुद्दा गायब हो गया। राहुल गांधी की सदस्यता देश का अपमान करने के मामले में नहीं गई है, राहुल गांधी की सदस्यता गई है कि उन्होंने 2019 के चुनाव में कर्नाटक की एक सभा में मोदी उपनाम वाले लोगों को चोर कह दिया था, उस मामले में उनको सजा हुई है और सदस्यता गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश के अपमान वाला मुद्दा छोड़ दिया है। सोचिए ये किसका क्या मतलब हुआ? अगर 13 मार्च को राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा माहौल था कि उन्होंने लंदन में जो भाषण दिया था उसके लिए माफ़ी मंगवा के छोड़नी थी, उनसे माफ़ी मंगवानी ही थी जब बीजेपी ने ये ठाना हुआ था, तो 22 मार्च के बाद ऐसा क्या बदल गया कि राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की जिद नहीं करनी चाहिए? बीजेपी ने क्यों अपनी मांग छोड़ दी कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे देश से, उन्होंने लंदन में देश का अपमान किया है? अगर राहुल गांधी ने लंदन में देश का अपमान किया है तो सदस्यता खत्म हो जाने से वो इस मामले से बरी कैसे हो जाते हैं? लेकिन ये दिलचस्पी है, ये उलटमासी है भारतीय राजनीति की कि 23 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी ने संसद में एक बार ये बात नहीं उठाई कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे आकर के। राहुल गांधी के खिलाफ जो विशेषाधिकार का नोटिस था वो तो अपने आप खत्म हो गया क्योंकि अब वो सदन के सदस्य नहीं है। लेकिन लंदन में उन्होंने MP के नाते तो भाषण नहीं दिया था, वहां तो कोई उनको सांसद होने का विशेषाधिकार हासिल नहीं था, भारत के एक नागरिक थे और अगर उन्होंने अपमान किया है तो उस अपमान पर उनसे बीजेपी को माफ़ी मंगवानी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी वो मांग भूल गई और 23 मार्च के बाद संसद उसके बाद भी नहीं चली। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अपनी आंदोलन करना छोड़ दिया, राहुल गांधी से माफ़ी मंगवाने की जिद छोड़ दी तो संसद चल गई। संसद उसके बाद भी नहीं चली क्योंकि विपक्ष की जो मांग थी वो विपक्ष अपनी उस मांग पर कायम रहा। और विपक्ष की मांग ये थी कि अडानी समूह को लेकर के हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है उसकी जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, JPC का गठन किया जाए और JPC उसकी जांच करे। विपक्ष ने ये मांग संसद के बजट सत्र के पहले चरण में ही रख दी थी क्योंकि बजट सत्र शुरू होने के ठीक पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जनवरी के आखिरी हफ्ते में। लेकिन पहले चरण में चूंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, बजट पेश होता है, अभिभाषण पर चर्चा होती है, इसलिए विपक्ष ने वो मुद्दा उतनी जोर शोर से उस समय नहीं उठाया।
लेकिन दूसरा चरण जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही कांग्रेस ने और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इसको मुद्दा बनाया और कहा कि अडानी हिंडनबर्ग मामले की जेपीसी जांच होनी चाहिए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इस बात पर अड़े रहे कि इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हो सकती है, इस पर न कोई चर्चा करनी है और जेपीसी गठित करने का कोई सवाल ही नहीं है। विपक्ष लगातार इस मामले, विपक्ष को दो मुद्दे और मिल गए, राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद उनको सजा होने का और सदस्यता खत्म करने का मुद्दा भी मिल गया और अडानी का मुद्दा पहले से था। सो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 23 मार्च के बाद काले कपड़े पहन करके संसद में प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो पहला दो हफ्ता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के साझा आंदोलन की वजह से, ज़्यादा सत्ता पक्ष की वजह से संसद की कार्रवाई नहीं चली। और दूसरा हिस्सा जो था, दूसरे चरण का दूसरा हिस्सा यानी 23 मार्च के बाद का हिस्सा, विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद में बेकार हो गया। सोचिए ये कितना इम्पोर्टेंट सत्र था। बजट सत्र किसी भी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। बजट पास होना था इसमें, वित्त विधेयक पास होना था इसमें, बजट के एक एक प्रावधान पर मंत्रालय के हिसाब से एक एक प्रावधान पर विचार होना चाहिए था, विपक्ष की आपत्तियां सुनी जानी चाहिए थी, विपक्ष की तरफ से संशोधन मूव किया जाना चाहिए था, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। अब अभी आगे सत्र तो और भी होंगे, लेकिन अब बजट सत्र तो फिर एक साल के बाद आएगा। ये बात विपक्ष को भी समझनी चाहिए थी कि देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन पर असर डालने का काम इस सत्र में होना है, लेकिन विपक्ष ने भी नहीं सोचा और न सत्ता पक्ष ने सोचा। 45 लाख करोड़ रुपए का बजट पास हुआ और आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 9 मिनट में बजट पास कर दिया गया। 45 लाख करोड़ का बजट जिससे देश के 140 करोड़ लोगों की किस्मत, उनका जीवन प्रभावित होना है, वो बजट सिर्फ 9 मिनट में पास कर दिया गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। वित्त विधेयक पेश हुआ और सबको पता है कि वित्त विधेयक कितना महत्वपूर्ण होता है। उस वित्त विधेयक को पास करने के लिए 45 मिनट का समय लगा और उस बीच जितने मिनट का समय था उससे ज़्यादा संशोधन पेश किए गए। एक मिनट से भी कम समय में एक एक संशोधन पास हुआ और 44 मिनट में वो पास हुआ और एक मिनट के हंगामे के बीच वित्त विधेयक भी पास हो गया। यानी 9 मिनट में बजट पास हुआ और 45 मिनट में वित्त विधेयक पास हुआ, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। दोनों सदनों में कोई इस पर विचार नहीं किया गया, इसके किसी बारीकी में कोई नहीं गया और वो पास हो गया। तो ये कुल जमा उपलब्धि इस सत्र की रही। इस सत्र में 35 विधेयक पेश होने थे, इक्का दुक्का जो जरूरी विधेयक थे वो पेश हुए और बाकी सारे ऐसे लंबित रह गए अगले सत्र के लिए। तो ये इस सदन का जो इस जो संसद के बजट सत्र का जो की रिपोर्ट कार्ड है वो ये है। कितने घंटे जाया हुए, उस पर कितने करोड़ रुपए जाया हुए, ये सब एक अलग चीज़ है, उसका कोई मतलब नहीं है। उस वो सब आंकड़ों में आ जाएगा, लेकिन वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बजट सत्र होने के बावजूद, बजट और वित्त विधेयक पास होने के बावजूद इसमें कोई, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, इसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया। अब सवाल है कि बाकी मुद्दों का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो राहुल गांधी से माफ़ी मंगवाने का मुद्दा छोड़ दिया है, वो इस बात पर आहत नहीं है कि उन्होंने विदेश में देश का अपमान किया था। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी अदानी समूह और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के जो मुद्दा उठाया है उस पर आगे भी वो अड़े रहेंगे, उसको एक मुद्दा बनाते रहेंगे, या बस वो भी अब इस मामले को लेकर के ठंडे पड़े रहेंगे और संसद का जो अगला सत्र होगा उस सत्र में ही जाकर के ये मुद्दा उठेगा। कर्नाटक के चुनाव में इसको चुनावी सभाओं में ही इस पर भाषण दिए जाएंगे, या कोई कंक्रीट प्लान है विपक्ष के पास इस मुद्दे पर आगे बढ़ने का, ये विपक्ष को दिखाना होगा। जब बजट सत्र समाप्त हो जाने के बाद अब जो भी राजनीतिक गतिविधि होगी, चुनाव का साल शुरू हो चुका है, एक अगले साल लोकसभा के चुनाव है, उसके पहले अगर विपक्ष को लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बोफोर्स के जैसा मुद्दा हो सकता है, केंद्र सरकार को घेरने का मुद्दा हो सकता है, तो उस पर एक कंसिस्टेंसी के साथ उन लोगों को आंदोलन चलाना होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष वो आंदोलन करता है या फिर अगले सत्र का इंतजार करता है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।